सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल योगी चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आजकल आपको सुनने को काफी मिल रहा होगा कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो हम नॉन कॉपीराइट साउंड यूज करते हैं NCS NCM जैसे म्यूजिक चैनलों से और वो हम अपनी वीडियोस में जैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बाद हमारे पास कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। अब सबसे बड़ी समझने वाली बात ये कि जब नॉन कॉपीराइट साउंड है तो फिर वो कॉपीराइट क्लेम क्यों देते हैं। आज इसी बारे में मैं बात करूंगा और चर्चा करूंगा आपसे और आपको बताऊंगा कि क्या हमको नॉन कॉपीराइट साउंड यूज करना चाहिए तो कहां से करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके ऊपर कोई भी कॉपीराइट क्लेम ना आए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों देखिए हो क्या रहा है, मैं आपको बता दूं, पहले क्या था NCS नाम के चैनल एक दो हुआ करते थे और वो नॉन कॉपीराइट साउंड आपको प्रोवाइड करवाया करते थे। हम वहां से साउंड लेते थे, म्यूजिक बीट लेते थे और अपने जो भी वीडियो हम बनाते अपने यूट्यूब पर वहां पर इस्तेमाल करते थे और वो हमको कभी भी कॉपीराइट क्लेम नहीं देते थे और हम आराम से उस वीडियो से पैसा कमा सकते थे। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है वो मैं आपको बता देता हूं। अभी हो ये रहा है NCS NCM जैसे बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल बन गए हैं। अब वो लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो कोई म्यूजिक है जो कॉपीराइट फ्री भी नहीं है उसको भी वो अपने चैनल पर डाल देते हैं और लिख देते हैं कि ये म्यूजिक कॉपीराइट फ्री है। आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब वहां पे आप लाइसेंस चेक जो करते नहीं है, अब लाइसेंस चेक करके देखिएगा, लाइसेंस उनका स्टैंडर्ड ही मिलेगा, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस नहीं होता है, स्टैंडर्ड होता है, लेकिन वो अपने टाइटल में लिखते हैं कि ये नॉन कॉपीराइट साउंड है, ये फ्री साउंड है। अब होता क्या है कि हम उस साउंड को सोचते हैं कि चलो यार ले लेते हैं, इसको हम यूज कर लेते हैं अपने वीडियोज में, और जैसे ही हम वीडियोज में यूज करते हैं तो अगर हमारे व्यूज थोड़े बहुत आते तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो उनको पता ही नहीं चल पाता, लेकिन जैसे ही हमारा जो व्यूज है वो बढ़ने लगता है और उनको पता चल जाता है वो दे देते हैं कॉपीराइट क्लेम। अब कॉपीराइट क्लेम का मीन क्या है ये मैं आपको बता दूं, इससे आपकी वीडियो स्ट्राइक नहीं है, ये कॉपीराइट क्लेम है, यानी कि आप जितना पैसा कमाओगे उसका शेयर उनके पास जाएगा। हो सकता है पूरा पैसा उनके पास चला जाए, हो सकता है 60% चला जाए, हो सकता है 50% पैसा तो उनके पास जाएगा ही जाएगा। अब सबसे बड़ी बात समझने की ये कि यार फिर कॉपीराइट साउंड जो है वो ना लेकर के हम नॉन कॉपीराइट साउंड कहां से प्राप्त करें, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए अगर आप बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं कि यार ये जो यूट्यूब चैनल है जो नॉन कॉपीराइट साउंड प्रोवाइड करवा रहा है ये एक जेन्युइन चैनल है और यहां से अगर हम नॉन कॉपीराइट साउंड यूज करेंगे तो हमको कॉपीराइट नहीं आएगा, तो ये आप इस्तेमाल करें। यहां पर कुछ ऐसे भी केस देखने को मिले, अभी काफी मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहा हूं, सब पर कॉपीराइट क्लेम आ चुका है और यहां पर ये भी केस देखने को मिल रहा है कि अगर मान लो किसी के लाइसेंस में क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस भी लिखा हुआ है यूट्यूब पर और वो नॉन कॉपीराइट साउंड है, वहां से हमने उस क्लिप को लिया और अपने वीडियोस में यूज कर लिया। अब हुआ क्या कि ऐसे मान लो कुछ लोगों ने यूज किया और जैसे ही उस पे व्यूज इंक्रीज होने लगे तो वो लोग क्या करते हैं उसके लाइसेंस को ही चेंज कर देते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड में कर लेते हैं और उसके बाद वो आपको कॉपीराइट क्लेम देंगे। यानी कि बड़ा ही गोरख धंधा चल रहा है, लोगों का पता नहीं क्या ईमान, मतलब कि यूट्यूब पर ईमान बचा ही नहीं है। अब लोग यही करने लगे कि चलो ठीक है, लोगों को ऐसे बताओ कि फ्री में इमेज डाउनलोड कर लो, फ्री में वीडियो और फ्री में म्यूजिक भी दे दो और अपने चैनल पे डाल दो म्यूजिक और उसके बाद जैसे ही वो उसको यूज करे उसको कॉपीराइट क्लेम दे दो। अब सबसे बड़ी बात ये कि आपको कॉपीराइट साउंड कहां से लेना है, सॉरी नॉन कॉपीराइट साउंड कहां से लेना है, तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि आपको अगर पूरी नॉलेज है कि भाई ये एक जेन्युइन चैनल है और यहां से अगर हम नॉन कॉपीराइट साउंड लेंगे और अपनी वीडियोस में यूज करेंगे तो शायद एक क्लेम नहीं देंगे, तभी आप यूज कीजिए, अन्यथा यूज मत कीजिए। आप यूट्यूब की लाइब्रेरी में से म्यूजिक उठाइए और वहीं का म्यूजिक यूज कीजिए क्योंकि यूट्यूब की जो लाइब्रेरी है उसपे जो म्यूजिक है उसमें कभी आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। लेकिन वहां पर भी दो कंडीशन है, वो आप जैसे आप म्यूजिक लोगे उसके नीचे लिखा हो, अगर एट्रीब्यूशन लिखा हो तो आप उसको क्रेडिट दे दीजिए और अगर क्रेडिट देने के बाद नहीं लिखे हो तो आप मत दीजिए, आप पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। लेकिन ये NCS NCM के दुनिया भर के जो चैनलों की बाढ़ आई पड़ी है यूट्यूब पे जो नॉन कॉपीराइट साउंड प्रोवाइड करवाते हैं इनके चक्कर में मत पड़िए, अदरवाइज आप जितनी भी मेहनत अपनी वीडियो पे करोगे सारा का सारा पैसा वहां चला जाएगा और यही प्रॉब्लम आ रही है आज बड़े बड़े यूट्यूबर के साथ। तो दोस्तों मुझे लगा यार कल मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी बड़े बड़े यूट्यूबर की, नाम मैं यहां नहीं लूंगा, सबके सब आपको पता है, बहुत सारी वीडियोस बन चुकी है, तो मैंने देखा यार ये क्या हो रहा है कि हम लोग नॉन कॉपीराइट जो म्यूजिक है वो लेने के बाद भी कॉपीराइट क्लेम हम पे आ रहा है कि मैं तो कोई म्यूजिक यूज नहीं करता और मैं आपसे भी कहूंगा कि आप कोई म्यूजिक यूज ना करें, लेकिन अगर आप कॉमेडी जैसी वीडियो बनाते हैं तो आपको म्यूजिक की भी आवश्यकता पड़ती है, तो बहुत ही सोच समझ कर आप यूट्यूब पर काम करिए। मुझे लगा ये जानकारी आपको देनी चाहिए तो मैंने ये वीडियो आज सुबह सुबह बनाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए अगर उनके यूट्यूब चैनल है ताकि उन पर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आए। चैनल पर पहली बार आए और आपको लगता है कि इस चैनल पर कुछ यूजफुल जानकारी मिलती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन बेल दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिए, क्योंकि तभी सब्सक्राइब करने का फायदा है और उसके बाद ही आपको मेरी वीडियो और कम्युनिटी टैब में जितनी भी मैं पोस्ट करूंगा सबके नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेंगे। मैं योगेंद्र आपसे फिर मिलता हूँ एक अच्छी सी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।